उत्तर प्रदेश के टोंडा में स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं आप, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। गोंडा स्थित एशिया के इस सबसे बड़े शिवलिंग की खास बात यह है कि ये 15 फुट ऊपर दिखता है और 64 फुट जमीन के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होने के साथ साथ ये शिव मंदिर वास्तुकला का भी सर्वोत्तम नमूना है। ये 7 खंडों का शिवलिंग है जो 15 फुट ऊपर दिखता है और 64 फुट जमीन के नीचे है। साथ ही ये मंदिर 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि गोंडा में पृथ्वीनाथ मंदिर के इस शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में भीम ने अज्ञातवास के दौरान की थी। महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान जब भीम ने बकासुर का वध किया था तो भीम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तब भीम ने इस दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की। बताया जाता है कि भीम द्वारा स्थापित ये शिवलिंग धीरे धीरे जमीन में समा गया। एक बार खरगुपुर में राजा मानसिंह की अनुमति से पृथ्वीनाथ सिंह नाम के एक शख्स ने मकान निर्माण के लिए यहाँ पर खुदाई शुरू की तो पृथ्वीनाथ को सपना आया कि जमीन के नीचे 7 खंडों का एक शिवलिंग दबा हुआ है। तब उन्होंने वहाँ खुदाई की और उन्हें ये शिवलिंग मिला। फिर इस शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू हुई और तब से इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ मंदिर पड़ गया।